गया में उत्पाद विभाग के द्वारा लगातार शराबियों और अवैध तरीके से शराब बेचने के मामले में बड़ी कार्रवाई कर रही है। इसी दौरान एक बार फिर से 24 घंटे में अवैध शराब कारोबारियों और शराब पीने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया, जिसमें जिले के अलग अलग थाना क्षेत्रों से कुल 95 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें पीने के मामले में 60 लोग तो वहीं बेचने में 35 लोग शामिल हैं, जबकि इसमें 79 पुरुष और 16 महिलाएं भी शामिल हैं। वहीं सभी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां कुछ लोगों को जुर्माना देकर छोड़ दिया गया, जबकि कुछ लोगों को जेल भेजने की तैयारी की जा रही है। आपको बता दें कि लगातार उत्पाद विभाग के द्वारा शराब पीने और शराब बेचने के मामले में कार्रवाई कर रही है। इससे पहले भी उत्पाद विभाग के द्वारा कार्रवाई करते हुए शराब पीने और बेचने वाले मामले में सैकड़ों लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। Thank you.